वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। एडवेंचर तो नहीं होगा पर हाँ देखो अभी ओके एडवेंचर तो नहीं होगा देखो मेरे स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। खेत में लगाया था क्या मैंने, सही आई नहीं, मतलब उतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं लगी, अच्छा था। अब चलो देखते हैं बाहर कैसा नज़ारा है। ओहो ठंडा ठंडा लग रहा है कैंपिंग टेंट। ओ भाई वो एकदम ठंडा। चलो पहले थोड़ा सा एकदम से दरवाज़ा खोलने से वो हुई है, फिर बात। बाय बाय। ये देखो ये सरस्वती का कैंपिंग टेंट। सरस्वती गुड मॉर्निंग। चलो कुत्ते आ गए थे उनको ये दिखाया भाग गए। ये देखो सुबह सुबह हमने यहाँ पे कैंपिंग का इतना कल्चर नहीं है ना, तो उनको मालूम नहीं है घर के बाहर भी लोग बैठ रहे हैं। ये देखो सुबह सुबह सामने ये नजारा है, बढ़िया नज़ारा। अब देखते हैं आज यहाँ पे पैक कर देंगे या खोलेंगे या क्या करेंगे, देखते हैं। चलो भाई मैंने तो पूरा अपना सामान, क्या बोलूँ मैं भी अपना कैमरा ऑन कर तुम भी कर लो, मैं तो अंदर से ही शुरू करता हूँ। अच्छा हाँ अंदर से ही फील आता, पूरा सो के उठो जाओ ले लो अभी भी शॉट लेना है तो। अरे आप ऐसे फेक करना नहीं आता ये देखो भाई मैंने पूरा सामान ले लिया, पर पूरी स्टोरी लाइन बनाने के लिए ना ये करना पड़ता है कि पूरा सो के उठे। मैंने कई बार फेक किया है। क्या देख लो? मुंह देख लो, बाल देख लो, आपको पता चल गया होगा अभी उठी हूं। ये पूरा मैंने अपना पूरा सामान वामान बैग सब रख दिया। कोलैप्स कर देंगे दिन में भाई, वरना खतरा रहेगा क्योंकि पतंग वतंग उड़ाएंगे ना लोग, तो इसके ऊपर अगर कुछ भी गिर जाए। कैंपिंग टेंट को जितना जल्दी पैक कर दोगे सही रहेगा, क्योंकि अगर पतंग वतंग या कुछ भी इस पे ऊपर गिरा, और सिगरेट पीने वाले तो बहुत दूर रहना इससे, और अगर कोई सिगरेट पी रहा आसपास तो मना कर देना भाई। एक भी छोटा सा भी वो आया ना गया, टेंट गया तुम्हारा। पम्पकिन लौकी है, लौकी छोटी छोटी लौकी, लौकी का बेल है। मेरा हाथ कांप रहा है। ये है भाई हमारा विलेज टूरिज्म गुजरात, यहाँ पे आप आ सकते हो, 500 रुपए में रहना खाना सब कुछ मिलेगा। ये देखो सुबह सुबह क्या बन रहा है, ये चाय पानी गर्म हो रहा है। ओके चाय बन गया, चाय बन गया। ओके मैं अपना अंदर से वो ले आता हूँ भाई, जैकेट वैकेट अंदर रहती हूँ। ये देखो भाई मैंने तो अपना ब्रश कर लिया, ये कहाँ पे बैठ के कर रही है, ये दो काम एक साथ हो रहे हैं क्या? अच्छा लग रहा है, मैं जीरा को घूर के देख रही थी, इतने जीरा अब रात रात में बढ़ गया है ना। रात रात में कितना आप देखा ना ग्रोथ कितना हो गया। हाँ थोड़ा बढ़ गया, ये देखना बहुत अच्छा लगता है यार। हम कहाँ सिटी में रहते हैं ये सब देख नहीं पाते, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जन्नत में रहे। इसको देखना ही ऐसे प्लेजर लग रहा है, इसीलिए मैंने उनको बोला था कि विलेज टूरिज्म का बहुत स्कोप है और फ्यूचर में और बढ़ने वाला है। जिस जिस लोगों के यहाँ पे भी गाँव आओ या कुछ भी है ना, वो सब लोग ये ऐसा कुछ डेवलप कर लो और कैंपिंग टेंट लगा दो, कुछ ऐसा कर दो या हाँ, या लोकल कल्चर है जैसे मकर संक्रांति, छः सात और कैंपिंग टेंट लग सकते हैं आराम से। अरे छः सात क्या बहुत लग जाएंगे, मतलब 80-100 लोग तो आराम से बोल रहे थे। ऊपर छत पे भी पूरी, इतनी बड़ी छत पूरी खाली है, कहीं पे भी कैंपिंग टेंट लगा लो वो सब। तो ये बहुत स्कोप है विलेज टूरिज्म का। और ये सब क्या हुआ, कौन है? हेलो भाभी जी। ओके चलो ब्रश वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे यहीं पे बैठ के खाएंगे, आज पूरा दिन यहीं पे ही रहेंगे। हाँ मज़ा आएगा। उसके बाद अहमदाबाद जाना है, एक शूट करना है। अहमदाबाद यहाँ से 80 किलोमीटर है वैसे। मज़ा आ रहा है, सनसेट सनराइज हो रखा है, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये भाई वीडियो कॉल वगैरह करा रहे हैं ये सो। ये देखो यहाँ पे ये लड़की क्या खा रहे हो? खिचड़ी। ये देखो खिचड़ी है हमारे लिए आई है। मुंह में पानी आ रहा है। इतना मसालेदार स्वादिष्ट, और ये इतना बढ़िया खेत में बैठ के
चटाई वटाई डाल दी हमने यहाँ पे और सब लोग एकदम त्योहार जैसा माहौल हो गया, सारे लोग आ गए हैं। देखो कितने सारे, अभी भीड़ लग गई थी, सब चाय वाय पीने चले गए। हमने तो यहीं पे मंगा ली चाय वाय सब कुछ, मस्त लग रहा है, स्वादिष्ट। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को पहले ये करना पड़ता है, व्लॉगर्स का यही है यार, नमक कम मुंह में पानी आता रहता है, हम ये खाते मुंह में पानी आ रहा है। बाय बाय। ये देखो भाई चाय भी आ गई अपनी, ये मसालेदार खिचड़ी आई थी पहले, फिर ये चाय आ गई अपनी। चाय को देखो इसमें पलटते हैं, ये जो कटोरी जैसी होती है ना इसमें, और ये देखो ये तो दिखाओ, भात तो लाओ, ये लाओ देखो, बाजरे की रोटली, क्या रोटला, मरचा इसको मरचा बोलते हैं, हरा मरचा। और चाय इसमें देखो, इसमें करते हैं चाय, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे खेत में बैठ के। मजा आ गया भाई, ये देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं शूटिंग कर रहा हूँ लगातार, ये सबसे मुश्किल लगता है मेरे को। बाय 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 बाय। ये देखो भाई विलेज टूरिज्म गुजरात में अब हमारे लिए क्या हुआ है, ये दोपहर का हो गया, लंच टाइम हो गया, पर हमारा तो ये क्या बनाया है, ब्रेकफास्ट ऐसे ही नाश्ता करने के लिए। अच्छा अच्छा वैसे ही है, ओके। मेरे को लगा लंच में हम फ्रेंच फ्राई खाएंगे क्या। लंच में तो कुछ और, लंच में कुछ और खाएंगे। ये देखो मेयोनीज बनाया, ये कैसे बनाया, रेडीमेड है क्या? नहीं बनाया रेडीमेड, इसमें दो तीन, और ये बनाइए भाई फ्रेंच फ्राइज, ऐसा मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। आ जाओ 500 रुपए में सब कुछ, रहना खाना चाय पानी सब कुछ। ये कुछ तो लेने आए, ये मेरे को बोलने दे, ये बेचने आए। अच्छा कितने रुपए किलो होता है ये? ये देखो ये आपने देखा रहेगा, ये जो है ना वो, ये वाले तराजू तो बहुत दिनों बाद देखा है। करो करो करो, क्या क्या बेच रहे? मूली, मूली, मेथी, धनिया, डूंगरी, डूंगरी। देखो घर घर में ऐसे बेचने जाते हैं ये, घर में जो भी दूसरे गांव के हैं, दूसरे गांव से हैं। क्या नाम है आपके गांव का? मढेरा। मढेरा, मढेरा से नुगर में बेचने आए हैं, मढेरा से आए हैं, सन टेंपल के इधर से। अच्छा ये देखो तोल रहे सुबह सुबह ऐसे। होम डिलीवरी, देखो भाई होम डिलीवरी पे खाना इन्हें मिल जाता है। मूली, मूली भी देखो कितनी अच्छी है, ये इनके पीछे गांव में बिकती है ना कटी है मूली, तो यहाँ पे भी गिरी हुई है, पीछे ही गांव है इनका। तो ऐसे जो भी जिसके भी यहाँ पे बिस्ता है एक दूसरे का, जैसे इनके यहाँ पे जीरा बिक रहा है, इनके यहाँ पे कुछ बन रहा है, इनके यहाँ पे कुछ बन रहा है, ऐसे ऐसे करके ये लोग चला लेते हैं, फ्रेश खाते हैं एकदम खाना, एकदम फ्रेश खाना। ये है विलेज टूरिज्म गुजरात, नूगर में है ये। अभी ब्रश करने जा रहे थे हम, तो ये यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, रहना खाना रूरल वो सब कुछ आपको मिलेगा फ्री में एकदम। ओके ये देखो बड़ा फ्रेश सा फील होता है ये सब देख के ना, ये बहुत पहले हम ये वाला तराजू देखते थे। ये ना ऐसे करते हैं एक दूसरे के गाँव से ना, मतलब जिनके यहाँ पे मूली उग रहा है तो यहाँ पे मूली देने आ गए, ऐसे ऐसे। क्या हुआ, क्या क्या है ये? ओहो ये देखो पराठा, छोड़ो ना, ये देखो चटनी, कौन सी है, लहसुन की चटनी और पराठे और चाय। मेरे को गिलास में दे दो यार, चाय इसमें मत दो ना, नहीं 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 चाय गिलास में दे दो, ठंडी हो जाती है हमेशा, ठंडी हो जाती है इसमें, मैं एक घूंट पियो दूसरे वाले बाकी सारी पूरी ठंडी ठंडी ठंडी। मैंने बोला भी था गिलास में मेरे को चाय दे दो। ये देखो सुंदर एकदम नज़ारे, खेत में बैठ के खाऊंगा मैं तो, मैंने जूते पहन लिए थे मैं इसलिए अंदर नहीं जा सकता। मजा आ रहा है, स्वाद देखो इसको यार, देख के स्वाद आ रहा है मेरे को तो, खा लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी हैं। हाँ यहीं पे खा लूँगा मैं तो, ये मैंने ब्रश कर लिया है, यहीं पे खाऊँगा मैं तो। खेत में छत भी है ऊपर, और हमारा वो चटाई वटाई भी बिछा हुआ है उधर, और टेंट भी लगा हुआ है, ये इसके अंदर चाय होती है ये देखो। ऐसा लेके ना आप चाय यात्रा भी कर सकते हो पूरे भारत में ना, आप सबको चाय पिलाते हुए जाओ, 20 रुपये का कप बेचो, भारत यात्रा करो, 10 रुपये का होता है वैसे, पर आप ये केतली में कहीं पे भी चाय बना सकते हो, दूध डालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, बन गया, लाओ और इस तरह से चाय यात्रा कर सकते हो आप, मतलब इजी हो जाएगा, पैसे भी कमा लोगे,
और सब कुछ। ओ क्या शॉट आया देख। चाय नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा। दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है ना मेरे को। एक्सपीरियंस है। रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन ना। एक मिनट के बस गिर जाएगा सब। ज्यादा हो गया ये। अच्छा हम नहीं बोल रहे इसीलिए वो करते जा रही है। तुमने पी ली चाय? मैं पीऊंगी अब थोड़ा सा पिया। अच्छा ये मेरे को लगा मेरे तुम लिए। खाने में से उठा दिए। ये देखो मेरी रोटी थी। रोटी नहीं पराठा है ये। ठीक है जो भी है। साउथ वालों को कुछ पता ही नहीं है चावल के अलावा इडली। चलो बाय बाय। बाय 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 बाय। हमारी बकरियां और गाय बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। बहुत ज्यादा है देखो कितनी बड़ी है। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो अभी? हम लोग मार्केट जा रहे हैं घी लाने के लिए। घी? हाँ आज पोंगल है ना। माट पोंगल है। हाँ। तो हमारे इसमें पोंगल बनाते हैं साउथ में। पोंगल? हाँ। तो क्या बनाते हैं उसमें? गाय के लिए बनाते हैं। हाँ। तो वो गाय के लिए नहीं मतलब वो पूजा करते हैं वगैरह। हमारे रिचुअल्स हैं थोड़े। तो आज बना के उसको भगवान को भोग बनाओगे क्या ये बताओ? पोंगल बनाएंगे। पोंगल क्या खाना बताओ ना क्या है पोंगल? तो त्योहार का त्योहार नाम त्योहार का नाम है ना। नहीं नहीं राइस का आइटम होता है। अच्छा भोग चढ़ाते हैं भगवान को। हाँ। और कोई भी जो तो घी के अलावा तेल में नहीं बना सकते क्या? नहीं नहीं उसमें घी डलता है। अच्छा हाँ चलो ठीक है। ये तमिलनाडु से हैं। इनके यहाँ पे पोंगल बनाते तो इनकी मम्मी ने बोला था आज तुम बना लो कुछ है वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे बोला। चलो ठीक है अब जा रहे हैं घी लेने। दुकान पे जा रहे हैं हम घी लेने। गुजराती पहनावा पहन के मैं साउथ इंडियन पोंगल बना रही हूँ। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मैसाना सिटी से। अच्छा ये सारी बांसुरियाँ ऐसी बजेंगे कि अलग अलग धुन में बजती हैं। ये वाले ऊपर के है ना। हाँ ये वाले है ना। हाँ ऊपर के इसके वो अलग धुन में बजती है और इसके जैसे बजे नहीं। ये धुन इसकी ये अलग धुन का अलग धुन का है ना। ये क्वालिटी होती है एक एक। कितने रुपए की? कितने रुपए की है ये? ये बड़ी वाले हाइन के छोटी वाले बीस की। ये 20 रुपए की और कितना हाइन मतलब कितना 50 और 20 वाली है। अच्छा और ये पोपू भी है पू करता है। बजा के एक बार बजा। बहुत अच्छी बजा रहे थे आप। मजा आ गया। क्या टैलेंट है यार हमारे पास। ये बिक जाते हैं आपके अच्छे? बच्चे खरीदते हैं ज्यादा इधर खरीदते हैं कि बाहर खरीदते हैं ज्यादा? बाहर ऐसे ही गांव में अंदर ऐसे गांव के अंदर खरीदते हैं। अच्छा यार ऐसे मेला रहता है। मेला में जाते हैं। मेला मेले में बेचते हैं। हाँ ज्यादा वहाँ बच्चे आते हैं। लेडीज भी आते हैं। लेडीज का ये लेडीज का है तो मैं तो सोने का पहनी हूँ बट ये सब मत बताया कर सोने वोने का। सॉरी सॉरी ये परमानेंट इयर रिंग पहनती हूँ। सॉरी ये सोने का नहीं है ये परमानेंट इयर रिंग है। ये टेम्पररी इयर रिंग आप बदल सकते हो। मैं परमानेंट ये 12th स्टैंडर्ड से यही पहना है लेकिन ये आप बदल जिसको बदलना होता है ये सब लेके बदल सकते हैं। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। बाय 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 बाय। थैंक यू भाई। दाल बाटी क्या बना रहे? दाल बाटी है। दाल बाटी ओ पका नहीं है अब तक। पकेगा। पकने के बाद है ना ऐसे दरार आ जाता है इसमें। देखो दरार आई है ना। हाँ। ऐसे पर ये तो आलू जैसा लग रहा है। आटा है ये? आटा है उन्होंने शेप बनाया। हाँ। है वैसा। इसके अंदर क्या भरा है आपने? आटा है खाली आटा। पूरा आटा है। अच्छा इसको किस चीज से खाओगे अब? इसको सब्जी? दाल बाटी है। दाल दाल के साथ खाओगे? घी डाल के बनाते। घी डाल के खाओगे? ओके। एक तो ये एक ही में पेट भर जाएगा। दो रोटी के बराबर चार रोटी के बराबर होता है ये तो। तीन जने का इतना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 इडली आठ बाटी तीन लोगों के लिए। ओके ये देखो ये बर्तन का इनका दुकान है। राजस्थान के हैं ये तो। यहाँ पे भी नहीं ये राजस्थान से। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ ठीक है भैया। ये लंच की तैयारी कर रहे हैं अपनी। ओके देखो गांव के अंदर से हम जा रहे हैं। सुंदर सुंदर ये मंदिर बहुत है ना यहाँ पे। हर दो दो घर दो दो घर छोड़ के देवता के लिए। हाँ गरबा सर पे लगा के। सर पे लगा के गरबा बोलते आ जाता है यार अंदर। हम मुंबई में ऐसे करते हैं। वो देखो आंटी जी देख रही है तुमको।
ये देखो गांव के अंदर जा रहे हैं, बस घी लेने जा रहे हैं हम। ये देखो ये लिया है इस दुकान से 20 रुपए का घी है, ये देसी घी है क्या? ये देसी घी है, देसी घी है ये 20 रुपए का, राजधानी का प्रीमियम घी। ये इन्होंने त्योहार मनाने के लिए आया, ये ट्रैवल का एक्सपेंस नहीं है भाई, ये अपनी इच्छा से जो वो करते हैं वो है, ये अपनी इच्छा से आप किसी को भी कुछ भी देना चाहो या कोई त्योहार मनाना चाहो या कुछ भी करना चाहो तो ये वो एक्सपेंस है, ट्रैवल का खर्चा नहीं है ये। ओके आज वो प्रेयर करना है पोंगल के लिए बना है। हाँ क्या क्या काजू बादाम 10 रुपए का सब मिला के देखो 10 रुपए में। हाँ, 10 का क्या आता, 10 का तो कुछ भी नहीं आता। नहीं देखो आ रहा है ना लेने के बाद यार, अब तुम 10 रुपए का लेकर निकलोगे तो 10 के कैलकुलेशन में नहीं लोगे। मैं 10 लेकर निकली हूँ तो 10 का कैलकुलेशन में नहीं, वो अपने आप कर देंगे। हाँ बोलना चाहिए हमें इतने में। ये देखो 3-4 काजू आए, 4 बादाम, 10 रुपए में काफी है अपने प्रसाद बढ़ाने के लिए, इतना काफी है। हाँ प्रसाद 4 काजू 4 बादाम 10 रुपए में, अरे वाह, और 20 रुपए का घी, पोंगल बन गया। ये हमारा सस्ते में जुगाड़ हो गया भाई पोंगल बनाने का। ओके अरे यार क्या हुआ? ये देखो भाई लहसुन की चटनी और ये हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है। और ये कुछ बना के लाए, ये क्या लाए हो? पोंगल बनाया है मैंने। पोंगल होता क्या है? पोंगल अरे चावल और दाल का मिक्स होता है। अच्छा। स्वीट राइस जैसा होता है। स्वीट राइस हाँ। तो हम खाएंगे ये क्या? हाँ हम भी खाएंगे और ऊपर पहले कौवों को खिलाते हैं उनको। चलो 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 ये दिखाओ, एक बार दिखाओ कैसे दिखाई देता है पोंगल। ये तमिलनाडु में बनाते हैं। ये देखो ये ड्राई फ्रूट, वो सब होता है ड्राई फ्रूट्स। हाँ ड्राई फ्रूट घी सब, ड्राई फ्रूट घी चावल चीनी और हाँ और वही मतलब बहुत नहीं। अच्छा हाँ दाल और उसके बाद पका देते हैं, बस पकाते हैं उसको। ये देखो भाई ऊपर आ गए हम, ये उसका है। ये क्या क्या कौन सा त्योहार मनाया था हमने? काइट फेस्टिवल उत्तरायण बोलते हैं यहाँ पे। और ये पोंगल मना रहे हैं अभी, पोंगल में कौओं के लिए ऐसे रखते हैं। ये 30 रुपए का सामान इसमें हमने डाला है, बाकी वो सब वो था 30 रुपए का खरीद के लाए थे हम अभी। 40 समझ लो 40 का। हाँ 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच दाल। अच्छा तो इसको हम भी खाएंगे क्या? हाँ हम भी खाएंगे। अच्छा ये तो मुझे लगा कौओं के लिए है, ये गिजगिजा सा लग रहा है, पता नहीं क्या है। मीठा है क्या ये? खीर जैसा है क्या? खीर जैसा है। और ये देखो ये है पूरा बहुत। चलो वो खाना ठंडा हो रहा है हमारा, ठीक है आप जाओ मैं आती हूं। ठीक है जल्दी आओ। वो देखो हमारा कैंपिंग टेंट लगा हुआ है, मैंने तो अपना पैक कर लिया, उसका लगा हुआ है अभी तक। ये अभी कुछ करेंगी यहाँ पे, नमाज जैसा पढ़ रही है आज क्या रही है बाय बाय हम जा रहे हैं नीचे। ये देखो ये खेत है, इनका टेंट लगा हुआ है और यहाँ से पूरा नेचर का व्यू दिखाई देता है। मैं रोटी खाने जा रहा हूँ, बाय बाय।